हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आपके अपने चैनल एचएस टेक्निकल सपोर्ट पे स्वागत है। आज हम बात करेंगे पीएम खाद्य सुरक्षा मित्र योजना के बारे में। एक बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, बड़ी योजना निकल के आ रही है, जिसके अंदर आप एक ई मित्र, डिजिटल ई मित्र ट्रेनर बनके, स्वच्छता मित्र ट्रेनर बनके एक अच्छा खासा अमाउंट इनकम कर सकते हो और परमानेंट ये एक जॉब की तरह है। तो मैं इसके बारे में संपूर्ण डिटेल आपको स्क्रीन पे बताऊंगा। तो चलो हम चलते हैं स्क्रीन पर और संपूर्ण डिटेल जानते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना और पल पल के अपडेट के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें और अपने दोस्तों में इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो चलो हम बिना टाइम गवाए शुरू करते हैं वीडियो। तो चलो दोस्तों, हम आ गए कंप्यूटर स्क्रीन पे। अब शुरू करते हैं खाद्य सुरक्षा मित्र अभियान, फूड सेफ्टी मित्र स्कीम, खाद्य सुरक्षा मित्र योजना, डिजिटल मित्र ट्रेनर मित्र, स्वच्छता मित्र के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू हो चुके हैं। तो आइए हम बता देते हैं आपको संपूर्ण डिटेल। तो वीडियो के साथ बने रहिए और वीडियो को पूरा देखें। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन के द्वारा विश्व खाद्य दिवस के अवसर पर खाद्य सुरक्षा मित्र योजना, फूड सेफ्टी मित्र स्कीम का शुभारंभ किया गया। योजना के अंतर्गत नारा दिया गया, खाने का अधिकार, जैकेट और सही झोला। उनके द्वारा दिल्ली में एक सभा को संबोधित करते हुए बताया गया, इट राइट इंडिया और सीड इंडिया अभियान राजनीतिक और कार्यान्वयन के साथ एक बड़ी सफलता साबित हो सकती है। मंत्री ने यह भी बताया कि लोगों को अपने दैनिक भोजन में नमक और घी का इस्तेमाल कम करना चाहिए। खाद्य सुरक्षा मित्र योजना का मुख्य उद्देश्य फूड सेफ्टी मित्र स्कीम। तो वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करना। खाद्य मित्र योजना का मुख्य उद्देश्य FCI खाद्य सुरक्षा परिस्थितिक तंत्र को सक्षम करने के लिए प्रेरित व्यक्तियों के साथ जुड़ने की योजना बनाना है। FSSAI के द्वारा प्रमाणित व्यक्ति फूड सेफ्टी मित्र का या खाद्य मित्र कहलाएगा। फूड सेफ्टी मित्र के तीन अवतार रहेंगे, जिसे निम्नलिखित नाम दिए जा सकते हैं, ट्रेनर मित्र, स्वच्छता मित्र और डिजिटल मित्र। तो इसके बारे में और जान लेते हैं डिटेल से। तो वीडियो को पूरा देखें और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फूड सेफ्टी मित्र तीनों मित्रों से संबंधित कार्यों का अनुपालन में सहायक रहेगा। फूड सेफ्टी मित्र स्कीम के मुख्य उद्देश्य, फूड सेफ्टी मित्र स्कीम के निम्नलिखित मुख्य उद्देश्य जो हमें नीचे बता रहे हैं। खाद्य सुरक्षा मित्र योजना का मुख्य उद्देश्य खाद्य व्यवसाय संचालकों, फूड बिजनेस ऑपरेटर FBO प्रेरित करना और उन्हें खाद्य कारोबार में खाद्य सुरक्षा मित्र द्वारा जानकारी प्रदान करने का है। खाद्य सुरक्षा मित्र का मुख्य उद्देश्य खाद्य व्यवसाय संचालकों, फूड बिजनेस ऑपरेटर्स FBO को ये सिखाना है खाद्य स्वच्छता को कैसे बनाए रखें। तीसरे पॉइंट के बारे में बात कर लेते हैं, वीडियो को पूरा देखें। फूड सेफ्टी मित्र स्कीम के अंतर्गत खाद्य सुरक्षा मित्र, फूड सेफ्टी मित्र खाद्य सुरक्षा और मान्यक प्राधिकरण से प्रमाणित पेशेवर प्रशिक्षित व्यक्ति होंगे। खाद्य सुरक्षा मित्र खाद्य व्यवसाय संचालकों को उनके बिजनेस कैसे बढ़ाना है इसकी भी जानकारी प्रदान करेंगे। खाद्य सुरक्षा मित्र को मुख्य रूप से तीन भागों में बांटा गया है, डिजिटल मित्र, ट्रेनर मित्र और स्वच्छता मित्र। खाद्य सुरक्षा मित्र का मुख्य काम FBO को लाइसेंस, पंजीकरण, स्वच्छता रेटिंग और प्रशिक्षण जैसी सेवाएं प्रदान करना होगा। डिजिटल मित्र के लिए योग्यताएं, एबिलिटी फॉर डिजिटल मित्र। डिजिटल मित्र के लिए अगर आप आवेदन करने की सोच रहे हैं तो इसके लिए आपके पास निम्नलिखित योग्यताएं होनी चाहिए। तो इसके लिए आपको आवेदन करने के लिए क्या योग्यताएं होनी चाहिए वो मैं आपको बता देता हूं। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करना और शेयर करना। डिजिटल मित्र की उम्र है 21 वर्ष से 70 वर्ष के बीच होनी चाहिए। किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री प्राप्त होनी चाहिए। कंप्यूटर, इंटरनेट इत्यादि की जानकारी मौजूद होनी चाहिए। ट्रेनर मित्र के लिए योग्यताएं, अगर आप ट्रेनर मित्र के पद के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो इसके लिए आपके पास निम्नलिखित योग्यताएं होनी चाहिए। यह आपको मैं इसकी ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप डायरेक्ट यहां पे आ सकते हो। इसका लिंक मैं आपको बता दूंगा, तो यहां पे आप डायरेक्ट आ सकते हो। स्वच्छता मित्र के लिए योग्यताएं, अगर आप स्वच्छता मित्र हेतु आवेदन करना चाहते हैं तो इसके लिए आपके पास निम्नलिखित योग्यताएं होनी चाहिए। स्वच्छता मित्र हेतु आवेदन के लिए उम्र 21 से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए। इसके लिए किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से केटिंग टेक्नोलॉजी, होटल मैनेजमेंट, फूड, डेयरी, फिजिक्स, टेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी स्नातक की डिग्री प्राप्त होनी चाहिए। इसके लिए मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप जाकर डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हो और कैसे अप्लाई करना वो भी मैं आपको बता देता हूं। खाद्य सुरक्षा मित्र योजना के लिए आवेदन कैसे करना वो मैं आपको सारी प्रोसेस बताऊंगा, वीडियो पूरा देखें। अगर आप भी खाद्य सुरक्षा मित्र के लिए आवेदन ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं तो इसके लिए इसके तहत आप तीन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसमें से आपको डिजिटल मित्र, ट्रेनर मित्र और स्वच्छता मित्र के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन अप्लाई फॉर फूड सेफ्टी मित्र, खाद्य सुरक्षा मित्र के तहत आवेदन करने के लिए सबसे पहले आपको इसकी आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। वेबसाइट पर जाने के लिए डिस्क्रिप्शन पर क्लिक करें और वहां पर आपको लिंक दिया हुआ है। जैसे ही आप इसके आधिकारिक वेबसाइट पर जाते हैं आपको अप्लाई नाउ का बटन दिख जाता है जिस पर आपको क्लिक करना होगा। इसके बाद आपके सामने खाद्य सुरक्षा मित्र ऑनलाइन पंजीकरण फॉर्म खुल जाएगा, जहां आपको अपनी कुछ निजी जानकारी भरनी होगी। आप खाद्य सुरक्षा मित्र योजना के तहत जिस पद के लिए आवेदन करना चाहते हैं उसका चयन करना होगा। जैसे ही
हमने आपको बताया था कि डिजिटल मित्र, ट्रेनर मित्र या फिर शिक्षा मित्र, ये फॉर्म ऐसा रहेगा, आपको मैं दिखा देता हूँ वेबसाइट का थोड़ा बहुत लोगो, तो आपको देख, और अगर आपको कैसे अप्लाई करना है इसका वीडियो भी देखना तो कमेंट करें नीचे, तो मैं इसका वीडियो भी जल्द आपके सामने उपलब्ध करवा दूंगा। बाकी जितने ज़्यादा कमेंट होंगे तो इसका वीडियो बना दिया जाएगा। अपनी योग्यता के हिसाब से आप एक पद का चयन करें और फॉर्म में अपनी जानकारी भरकर सबमिट कर दें। जैसे आपको तीनों में से एक फॉर्म चूज करना है, जैसे ही आप फॉर्म को सबमिट कर देते हैं आपकी जानकारी सरकार के पास चली जाती है, यानी आपका आवेदन खाद्य सुरक्षा मित्र के लिए हो चुका है। नोट, आवेदन के बाद अगर कोई आपकी जानकारी चाहिए होती है तो आप इसके लिए आधिकारिक वेबसाइट या हेल्पलाइन नंबर पर जानकारी हासिल कर सकते हो। फिर भी आपके कोई डिटेल समझ में नहीं आती है तो आप हमें नीचे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो और वहाँ पे कमेंट कर सकते हो। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना, और वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। जय हिंद, जय भारत।